अर्थव्यवस्था को लेकर शिवसेना ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। अपने मुखपत्र सामना में शिवसेना ने लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में अर्थव्यवस्था सुधार करने की इच्छा दिखाई नहीं देती। मोदी जब प्रधानमंत्री नहीं थे तब प्याज की बढ़ती कीमतों पर उन्होंने चिंता व्यक्त की थी। वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने कहा था कि प्याज जीवन के लिए आवश्यक वस्तु है, अगर ये इतना महंगा हो जाएगा तो प्याज को लॉकर्स में रखने का वक्त आ गया है। आज उनकी नीति बदल गई है। शिवसेना ने कहा कि मोदी अब प्रधानमंत्री हैं और देश की अर्थव्यवस्था धराशायी हो गई है। बेहोश व्यक्ति को प्याज सुंघा कर होश में लाया जाता है, लेकिन अब बाजार में प्याज ही गायब हो गया, इसलिए यह भी संभव नहीं है। उस पर देश की अर्थव्यवस्था का जो सर्वनाश हो रहा है उसके लिए पंडित नेहरू तथा इंदिरा गांधी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। निर्मला सीतारमण देश की वित्त मंत्री हैं, परंतु अर्थनीति में उनका योगदान क्या है?